मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल. टुडे वी विल रीड अ चैप्टर कम स्टोरी, फियर्स एंड करेज. फियर्स होते हैं डर. हम सबको अपने लाइफ में किसी ना किसी चीज़ से, किसी पर्सन से, किसी एनिमल से एक डर लगता है. एंड हाउ वी शुड मेंटेन आवर करेज, हम अपने करेज को, अपनी हिम्मत को कैसे मेंटेन करें उस फियर से फाइट करने के लिए, दैट वी विल लर्न इन दिस स्टोरी. ओके, नाउ स्टार्ट. इन दिस स्टोरी देयर इज़ अ करेक्टर कृति, स्मॉल गर्ल, एंड देयर इज़ अ करेक्टर ब्लाइंड बॉय. एक ब्लाइंड बॉय है स्टोरी में, एंड कृति's मदर. नाउ वी विल रीड द स्टोरी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फियर्स एंड करेज. कृति थी स्केयर्ड, डरी हुई ऑफ द डार्क, डार्कनेस से. मीन्स कृति को डार्कनेस से, स्केयर्ड मीन्स डर लगता था. शी क्लच्ड होता है किसी को टाइट पकड़ना, कस के पकड़ना. सी इन दिस पिक्चर, शी इज कृति, शी इज स्लीपिंग विद हर मदर. एंड देखो उसने कैसे क्लच किया हुआ है ना, मम्मा के हैंड को टाइट होल्ड किया हुआ है. और कृति का फेस देखो कितना स्केयर्ड है. नाउ सी, शी क्लच्ड हर मदर्स हैंड. वो अपनी मम्मा का हैंड क्लच्ड, टाइट पकड़ती थी एवरी नाइट, हर रात को. टू स्लीप पीसफुली, पीसफुली मतलब आराम से स्लीप, सोने के लिए. वो ऐसा क्यों करती थी, क्यों मम्मा का हैंड क्लच करती थी? शी सॉ मॉन्स्टर्स, वो मॉन्स्टर्स देखा करती थी. मॉन्स्टर होते हैं जैसे कि आप कहें कि बैड फिगर्स, डराने वाली फिगर्स, हिंदी में जैसे राक्षस भी कहते हैं. सी हेयर इन दिस इमेज, ये मॉन्स्टर्स जैसी फिगर्स उसको दिखाई दिया करती थी. इन द शिमरिंग प्लैनेट्स एंड स्टार्स, जो चमकते हुए प्लैनेट्स थे और स्टार्स थे. अब ये शिमरिंग प्लैनेट और स्टार कहाँ पर थे? हर मदर हैड डेकोरेटेड, उसकी मम्मा ने डेकोरेट किया हुआ था द सीलिंग. सीलिंग होती है कमरे की छत. उस छत को उसकी मम्मा ने, घर की, उसके रूम की छत को डेकोरेट किया हुआ था चमकते हुए प्लैनेट्स से और स्टार्स से. और उन प्लैनेट्स में, उन स्टार्स में वो मॉन्स्टर्स को देखा करती थी, स्केयरिंग फिगर्स को देखा करती थी. और क्या क्या देखती थी वो? शी सॉ घोस्ट, वो घोस्ट देखा करती थी, भूत एंड विचेस, चुड़ैले. इन द वाइट कर्टन्स, उसको वाइट कर्टन में घोस्ट नज़र आते थे जिसे हम कहते हैं भूत, एंड विचेस नज़र आती थी. और उसे अपने टॉयज़ में भी यही चीज़ें नज़र आती थी. ओह, नाइट्स वर सो स्केयरी फॉर कृति. कृति के लिए जो नाइट्स होती थी वो बहुत स्केयरी, स्केयरी का मतलब डरावनी हुआ करती थी. दिस वेंट ऑन, ये चलता रहा. क्या चलता रहा? कृति का डरना चलता रहा. टिल, जब तक कि शी, वह मेट अ ब्लाइंड बॉय, जब तक वो एक ब्लाइंड बॉय से नहीं मिली इन द लोकल पार्क, पार्क में. कृति आस्क्ड हिम, ये हिम किसके लिए आया? दिस हिम हियर रेफर्स टू दैट ब्लाइंड बॉय. कृति आस्क्ड ब्लाइंड बॉय, कृति ने ब्लाइंड बॉय से पूछा, आर यू नॉट स्केयर्ड, तुम्हें डर नहीं लगता ऑफ दिस डार्कनेस, इस अंधेरे से? कौन से अंधेरे की बात हो रही है यहाँ पे? क्योंकि वो बॉय ब्लाइंड है तो उसके लिए तो दिन में भी डार्कनेस है और नाइट में भी डार्कनेस है. तो कृति ने बोला, तुम इस सारी डार्कनेस से तुम्हें डर नहीं लगता? नो, नॉट एट ऑल, बॉय आंसर्ड. बॉय ने क्या रिप्लाई दिया कि नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं. आई हैव अ गुड फ्रेंड इन डार्कनेस, ये जो डार्कनेस है ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है. बिकॉज इट इज़ ऑल आई हैव, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ यही है. क्योंकि वो ब्लाइंड है तो उसके पास तो सिर्फ डार्कनेस ही है ना, उसके पास लाइट तो है नहीं. तो वो कहता है कि आई हैव अ गुड फ्रेंड इन डार्कनेस, डार्कनेस में तो मुझे मेरा अच्छा दोस्त नज़र आता है. द ब्लाइंड बॉय आंसर्ड, आई एम वेरी स्केयर्ड. हु इज स्पीकिंग दिस लाइन, कैन यू गेस? दिस लाइन इज स्पोकन बाय कृति. कृति इज सेइंग, आई एम वेरी स्केयर्ड, मुझे तो बहुत डर लगता है. कैन यू हेल्प मी, तुम मुझे हेल्प कर सकते हो? टू बी फ्रेंड डार्कनेस, बी फ्रेंड होता है किसी को फ्रेंड बना लेना, कि मैं भी इस डार्कनेस को अपना फ्रेंड बना लूँ, कृति ने कहा. येस इट इज़ सिंपल, अब ये रिप्लाई कौन कर रहा है? बॉय. बॉय रिप्लाइड, येस इट इज़ सिंपल, ये तो बहुत आसान है. क्लोज योर आइज, आइज क्लोज करो. टू फील एवरीथिंग विद योर हैंड्स, और अब सब चीज़ों को
विद योर हैंड्स, अपने हैंड से फील, टच करो. योर हैंड्स, तुम्हारे हैंड्स विल गिव यू करेज. तुम्हारे हैंड से ही तुम्हें करेज मिलेगा, हिम्मत मिलेगा टू फाइंड द ट्रूथ बिहाइंड मॉन्स्टर्स, कि मॉन्स्टर, विचेज और घोस्ट के पीछे क्या ट्रूथ है, तुम उसे फाइंड आउट कर सको. ही आंसर्ड, उसने रिप्लाई किया. कृति क्लोज्ड हर आइज, कृति ने अपनी आइज को क्लोज किया. आउटस्ट्रेच्ड हर हैंड्स, आउटस्ट्रेच होता है अपने हाथ आगे बढ़ाना, उसने अपने हैंड्स को आगे बढ़ाया. वंस शी वॉज स्केयर्ड टू फील, एक बार उसको फील करने में स्केयर्ड डर लगा. बट लेकिन वेन एवर शी ओपन्ड हर आइज, जब भी उसने अपनी, वेन एवर का मतलब जब भी, शी ओपन्ड हर आइज, उसने अपनी आइज को ओपन किया. शी फाउंड, उसने क्या देखा, पहले जब वो चीज़ों को टच कर रही थी आइज क्लोज करके, तो उसको लग रहा था मैं मॉन्स्टर को टच कर रही हूँ, मैं विच को टच कर रही हूँ. बट वेन शी ओपन्ड हर आइज, जब उसने आइज ओपन की, तो उसे मिले, क्या मिले, लीव्स, फ्लावर्स, क्लस्ट इन हर हैंड्स, अपने हाथों में, क्लस्ट मतलब पकड़े हुए. एट नाइट, रात को, शी डिड द सेम एक्ट, उसने यही सेम एक्ट किया. एक्ट का मतलब वर्क जो उसने पहले किया, वही सेम काम किया. ओनली टू बम्प इंटू हर फेवरेट टॉयज, तो बम्प होता है मिलना, टकराना, और उसको इन रिटर्न क्या मिला, उसके फेवरेट टॉयज. तो उसको रियलाइज हुआ कि ये मेरे टॉयज हैं, ये विचेस या गॉस्ट नहीं हैं. हर फियर्स जस्ट वैनिश्ड, उसके जितने भी फियर्स थे, डर थे, वैनिश्ड, वैनिश्ड होता है गायब हो जाना, उसके सारे फियर्स गायब हो गए. फियर्स आर लाइक विचेस, फियर्स विचेस होते हैं, हु हैव लॉस्ट देयर ब्लैक मैजिक, जिनका वो ब्लैक मैजिक लॉस्ट हो गया, गुम हो गया. कृति जस्ट हैड टू होल्ड हर फियर्स, कृति ने सिर्फ अपने डर को थोड़ा सा पकड़ा, फेस देम, फेस किया, एंड टू मेक देम वैनिश, और उनको गायब कर दिया. कृति को उन्हें गायब करने के लिए सिर्फ अपने फियर्स को होल्ड करना पड़ा, पकड़ना पड़ा, एंड फेस देम, फेस करना पड़ा, और फिर उन सबको गायब कर दिया. रिमेंबर, अब बच्चे, स्टूडेंट्स, आपने हमेशा याद रखना है, फियर्स आर बोर्न इन आर माइंड्स, कि फियर्स एक रियलिटी नहीं होती हैं, फियर्स सिर्फ हमारे माइंड में होते हैं. एंड इट इज़ वी, और ये हम होते हैं, हु मेक देम बिग, जो उन फियर्स को बड़ा बड़ा और बड़ा करते रहते हैं. बट वंस, लेकिन वंस, एक बार, वी फेस देम, हम उनका सामना कर लें विथ करेज, हिम्मत से, दे श्रिंक, तो वो बड़े नहीं होते, वो बिग का अपोजिट, वो श्रिंक हो जाते हैं, स्मॉल हो जाते हैं, एंड गो अवे, और दूर चले जाते हैं, फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए. सो अब आई होप आज के बाद हमारा कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरीके का फियर अपने माइंड में नहीं रखेंगे. फियर सिर्फ नॉन लिविंग थिंग से नहीं होता है, कई बार हम किसी स्पाइडर से या किसी इंसेक्ट से भी बहुत डरते हैं, या कई बार हम अपने लेसन को लर्न करने से, एग्ज़ाम से बहुत डरते हैं. तो हमें किसी भी चीज़ से नहीं डरना, हमने ब्रेवली विद करेज उनको फेस करना है, और हमने हर सिचुएशन में वी हैव टू विन. ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज पार्ट. हैव अ गुड डे.